परोलकोट इलाके में धान खरीदी में इन दिनों तेजी आई है, मगर जगह जगह किसानों से कई मामलों में ठगी का शिकार होने की शिकायतें सामने आने से स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल धान फड़ों का आकस्मिक निरीक्षण शुरू कर दिया है। ग्रामीणों द्वारा अधिकारी वर्ग को कुछ दिन पूर्व शिकायत की गई थी कि संगम के धान फड़ संचालक उत्तम सिकदार द्वारा हर बोरे में 1 से 2 किलो धान जबरन ली जा रही है। वहीं हमाली के नाम से 11 रुपए हर किसान से वसूले जा रहे हैं, जो कि अनुचित था। किसानों को बोरा दे दिया जाता है और किसानों को घर से बोरे में धान तोल कर लाने को कहा जाता। फड़ में कोई भी नाप तोल नहीं होता, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन को देते आ रहे थे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पखांजुर SDM निशा नेता मंडावी ने कई धान फड़ों में दबिश दी और कई जगह कड़ी चेतावनी भी दी और संगम धान फड़ का औचित निरीक्षण किया, जहां पहुंचकर धान की तुलाई और बारदाना की व्यवस्था के साथ साथ और क्या खामियां हैं इसका निरीक्षण किया गया और किसानों की शिकायतों का बारीकी से जायजा लिया गया। उक्त केंद्र में किसानों की शिकायत को सही पाया गया और 120 बोरी धान को जब्त किया गया और बोली की खरीदी केंद्र पर छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब संगम धार पर आप निरीक्षण में आए हो, आप लोग जो देखे हो, क्या देखने को मिला आप लोग? आज धान खरीदी केंद्र संगम का निरीक्षण किया गया, जहां पे ये पाया गया कि एक किसान के द्वारा घर में ही तौल करा करके यहां मंडी में उसका स्टॉकिंग कराया जा रहा था, अतः उस किसान के 120 बोरी धान का जब्ती किया गया। तो आगे क्या कार्रवाई होगी मैडम? अभी जब्ती करने के बाद हम कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे, तब संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।